हेलो एवरीवन जय हिंद सभी को आज अपनी क्लास नंबर फोटीन यानी कि चौदह नंबर क्लास है और इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है देखो अभी तक हम छः से सात कक्षा छः से सात जो है ये हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर कक्षा छः से सात का कंप्यूटर जो है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और इस कक्षा छः से सात की हमने क्या पढ़ी है थ्योरी पढ़ी है थ्योरी पढ़ी है और अभी जो हम कवर करने वाले हैं वो कक्षा आठ है आज से आपकी कक्षा कौन सी शुरू हो गई कक्षा नंबर आठ शुरू हो गई यानी कि आठवीं कक्षा जो है आज हम आठवीं कक्षा का सिलेबस जो है वो पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर चौदह है ठीक है और आठवीं कक्षा में भी बहुत थोड़ा सिलेबस है जो रह गया है छठी से लेकर के आठवीं तक का असली कहानी शुरू होगी नाइन्थ क्लास से मैं आपको बताकर चलता हूँ एक बात और हम जो पढ़ने वाले हैं वो छठी क्लास से हमने शुरू किया है और बढ़ते चलेंगे मतलब सातवीं आठवीं होगी अभी नाइन्थ शुरू करेंगे इससे नेक्स्ट जो क्लास होंगी नाइन्थ क्लास की नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन बी सी ए वन टू थ्री फोर मतलब एडवांस कंप्यूटर तक हम पढ़ेंगे ये सीरीज जो है पूरी कवर करेगी मास्टर डिग्री तक कवर करने वाला हूँ मैं इसमें तो देखिए भाई आठवीं क्लास का ये पहला चैप्टर आज हम जो पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर तो वैसे वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन जो छठी से लेकर के आठवीं सातवीं तक जो पढ़ा है उससे अलग जो है वो आज हम देखने वाले इसमें है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर में चलने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है भाई ये क्या होता है आपके कंप्यूटर में जो चलेगा वो सॉफ्टवेयर है भाई आपके कंप्यूटर में चलने वाला क्या है ये सॉफ्टवेयर है भाई आपके कंप्यूटर में चलने वाला क्या है ये सॉफ्टवेयर भाई आपके कंप्यूटर में चलने वाला सॉफ्टवेयर है भाई ये ठीक है ना ये वाला सॉफ्टवेयर है। अब इसके अलावा और सॉफ्टवेयर भी होते हैं बिल्कुल होते हैं भाई इसके अलावा और सॉफ्टवेयर भी होते हैं ये विंडोज सबसे ज्यादा फेमस है तो सबसे ज्यादा यही चलता है इसलिए हम यही पढ़ते हैं जहां भी आप देखोगे विंडोज मोस्टली आपको मिलेगा सबसे ज्यादा चीजें जो देखने को वो मिलेंगी वो विंडोज से रिलेटेड मिलेंगी माइक्रोसॉफ्ट वालों के वर्जन से रिलेटेड मिलेंगी ठीक है ना बाकी अदर सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी डलवा सकते हो लेकिन क्योंकि ज्यादा यूजर फ्रेंडली ये है यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है मेरे भाई यूजर फ्रेंडली होता है कि आसानी से काम किया जा सके जो यूजर है जो कंप्यूटर को चलाने वाला है वो आसानी से काम कर सके उसको आसान आसान ऑप्शन मिले उसको गैलरी दिखे तो फोटो दिखे उसके अंदर अपने आप क्लिक हो जाए कि ये गैलरी होती है ऐसी ऐसी है ना एक गैलरी वैसे लिख दें और ऊपर कुछ भी ना लगाएं तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें फोटो हैं तो आसान बना दिया जाए तरीका वो ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है मेरे भाई किसका है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ठीक है ना तो सभी कंप्यूटरों में ये वाला होता है तो यही पढ़ते हैं हम तो चलिए पढ़ते हैं देखते हैं सीखते हैं समझते हैं इसमें क्या कुछ है भाई सबसे पहले सबसे पहले तो बता दें कि ये जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है इसमें आपको फोल्डर मिलेंगे इसमें आपको मेन्यू मिलेगा मेन्यू मेन्यू मतलब साफ साफ लिखा मिलेगा कि आपने फाइल के साथ कोई ऑपरेशन करना है तो यहाँ जाओ आपने कोई चीज देखनी है तो यहाँ जाओ इंग्लिश में साफ साफ लिखा मिलेगा तो इंटरफेस है जिसमें आप माउस से काम कर सकते हो फोटो मिलेंगी इसमें फोटो दिखा दिखा करके आपको काम पर ले जाया जाएगा यानी कि जैसे आप मोबाइल की सेटिंग में जाते हो तो मोबाइल की सेटिंग के ऊपर आप देखते हो तो बहुत सारे हथियार से छपे मिलते हैं कोई आ, अलग अलग तरीके का कोई औजार है जैसे प्लास होता है पेचकश होता है इस तरीके से हरणवी में तो ये होते हैं बाकी आपके यहाँ कुछ अलग होता है तो वो देख लेना सेटिंग के ऊपर छपे होते हैं ना तो उनका शब्द यानी कि डेस्कटॉप वाला विंडोज का डेस्कटॉप शब्द जो है प्राथमिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को संदर्भित करता है यानी कि डेस्कटॉप जो होता है ये जीवाई को रेफरेंस देता है यानी कि ये जीवाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो दिखाई देगा आपको बाहर उसे डेस्कटॉप कहेंगे जिसके साथ उपयोग करता है इंटरेक्ट करते हैं हम डायरेक्ट जो देखते हैं वो क्या देखते हैं विंडो शुरू होते ही कंप्यूटर शुरू होते ही हमारे सामने डेस्कटॉप आता है डेस्कटॉप अनिवार्य रूप से वह दृश्य है स्थान है जहां आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं यानी कि आप कंप्यूटर को देखोगे जो सामने जो फेस होगा फाइलों और फोल्डर को प्रबंधित करते हैं भाई फाइल वहां रखी होंगी फोल्डर वहां होंगे जो फोल्डर आप बनाओगे फोल्डर क्या होता है फोल्ड करना फोल्ड फोल्ड करना मतलब मोड़ना होता है यार फोल्डर क्या होगा मोड़ने वाला जो फाइलों को इकट्ठा करके रखे वो फोल्डर होता है ना और विभिन्न एप्लीकेशन और अलग अलग एप्लीकेशन होंगी सिस्टम टूल होंगे उन तक आप पहुंच सकते हैं विंडो के डेस्कटॉप के माध्यम से जो आपको दिखेगा ठीक है ना तो आज देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसा होता है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है पीछे जो वॉलपेपर लगा होता है आपको कई बार वॉलपेपर चेंज करते रहते हो डेस्कटॉप पृष्ठभूमि जिसे वॉलपेपर के रूप में भी जाना जाता है डेस्कटॉप की दृश्य पृष्ठभूमि है उपयोगकर्ता विभिन्न पूर्व स्थापित छवियों में से पहले से बनी बनाई छवि इमेज यानी कि फोटो पहले से जो कंप्यूटर में डाल रखी हैं हैं उनमें से चुनकर अपने स्वयं के चित्रों का उपयोग करके पृष्ठभूमि को अनुकूलित अनुकूलित कर सकते है। अनुकूलित का मतलब है आप है, ये जो दे रहा आपको क्या डेस्कटॉप ये में ही आता है इंटरफेस है देखो यहां ई लिखा इंटरनेट पर जाना है W लिखा वर्ड पर जाना है यहाँ कंप्यूटर लिखा है हमारा कंप्यूटर खोलना है यहाँ ये गूगल क्रोम आपको मोबाइल जैसा दिखाई देगा ये बीन है बीन बॉक्स होता है डिब्बा है जो डिलीट की गई फाइलों को समेटेगा तो इन्हें आइकन कहा जाता है क्या कहा जाता है इन्हें आइकन कहा जाता है और ये स्टार्ट बटन होता है यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन पर पहुंचना होगा कहाँ होता है स्टार्ट बटन बिल्कुल कोने में ये स्टार्ट बटन होता है भाई इधर क्या होता है इस साइड होती है टाइमिंग इधर देखो इधर क्या होती है टाइमिंग होती है टाइम दिखाता है डेट दिखाता है यहाँ नोटिफिकेशन आते हैं नोटिफिकेशन बार भी कहा जाता है जैसे मोबाइल में ऊपर से नोटिफिकेशन आते हैं वैसे नोटिफिकेशन इसके यहाँ आते हैं मोबाइल कनेक्ट हो गया तो यहाँ पता चलेगा आपका कोई भी और मैसेज आया तो यहाँ पता चलेगा इधर इधर से मैसेज आएगा कंप्यूटर में कुछ भी कोई कनेक्टिविटी होगी कोई यहाँ पर पता चलेगा इस साइड ये नोटिफिकेशन इधर आते हैं जैसे मोबाइल में ऊपर से आते हैं है ना तो आइकन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम आइकन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ये जो आइकन्स होते हैं है ना तो देखिए मेरे भाई आइकन जो होता है कंप्यूटिंग में एक आइकन एक दृश्य प्रतिनिधित्व या प्रतीक है एक प्रतीक आइकन क्या होता है एक चिन्ह होता है प्रतीक होता है सिंबल होता है किस चीज का जिसका उपयोग कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर या तो फाइल को या फोल्डर को या प्रोग्राम को या किसी फंक्शन को प्रतिनिधि करने के लिए किया जाता है कोई फंक्शन दिखाना है तो उसका आइकन मिलेगा कोई फोल्डर बनाना, उसका कोई बनाना उसका कोई बना है उसका आइकन मिलेगा कोई फाइल बनानी है उसका आइकन मिलेगा है ना आइकन को उपयोगकर्ताओं को सिस्टम के साथ बातचीत करने और नेविगेट करने के लिए एक त्वरित और पहचानने योग्य तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप जल्दी से पहचान जाओ कि सेटिंग जो मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी ये जो टूल दे रखा है ना टूल बॉक्स यहाँ पर सेटिंग मिलेगी फोटो छाप दी पता चल जाएगा गैलरी मिलेगी यहाँ पर क्या मिलेगी गैलरी फोन छाप दिया पता चल जाएगा यहाँ से फोन होगा है ना तो वो आइकन इसलिए बनाए गए हैं अगर फोन वाले आइकन पर बोतल छाप दें तो बोतल मिलेगी अरे बोतल नहीं मिलेगी हम भ्रमित हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या तो ऐसा बनाया गया उसे आइकन कहा गया क्या कहा गया मेरे भाई आइकन तो आइकन की विशेषता क्या है ये अक्सर अर्थ बताते हैं यानी कि इसका क्या अर्थ है जैसे रिसाइकल बीन यानी कि रिसाइकिल कर सकते हो फाइलों को डिलीट की गई फाइल यहाँ डाल सकते हो यहां से वापिस भी ला सकते हो फाइल आप सरलीकृत सरल किया जाता है शैलीबद निरूपण किया जाता है भाई जैसा उसका काम है वैसा ही बनाया जाएगा उसको है ना फिर उपयोगकर्ता का संपर्क बना रहता है उससे अनुकूलन है और सरल उपयोग है बहुत ही आसान उपयोग है भाई डायरेक्ट हम उसका यूज करेंगे किसका आइकन का यूज करेंगे है ना तो आगे देखिए भाई आइकन कितने प्रकार का है यहाँ पर टाइप्स ऑफ आइकन देखने वाले हैं क्या चीज टाइप्स ऑफ आइकन पहला आइकन फाइल का आइकन होता है कि क्या होता है फाइल का आइकन होता है कैसा कैसा होता है व्यक्तिगत फाइलों और दस्तावेज प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं उदाहरण के लिए एक टेक्स्ट दस्तावेज भी हो सकता है कागज की एक शीट का आइकन मिलेगा या फिर आपका पीडीएफ मिलेगा इस तरीके से यह फाइल का आइकन है आपकी फाइल इस तरीके की है आपकी फाइल वर्ड की होती उस पर डब्ल्यू लिखा मिलता आपकी फाइल एक्सेल की होती उस पर एक्स लिखा मिलता सॉरी <coughs> आपकी फाइल पावर की होती है है पी लिखा मिलता है ना तो इस तरीके से लिखे मिलेंगे और ये फाइल का आइकन है ये फाइल है आपकी पीडीएफ के टाइप की चलिए भाई दूसरा टाइप है फोल्डर का आइकन कैसा आइकन है फोल्डर का ये रहो ये फोल्ड करके रखी हुई है फाइलें बहुत सारी इसके अंदर तो ये फोल्डर बन गया फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशिकाओं या कंटेनर को इंगित करता है कंटेनर यानी कि इसके अंदर फाइलें रखी हुई हैं भाई ये फोल्डर है अक्सर फाइल फोल्डर जैसा दिखता है भाई ये फाइल फोल्डर है ये क्या है फाइल फोल्डर है मेरे भाई नेक्स्ट आ जाइए एप्लीकेशन का आइकन मिलेगा क्या आई मिलेंगे ये वाले जो है के इनसे पता चलेगा ये तो यूट्यूब खुलेगा भाई इससे पता चलेगा ये फेसबुक खुलेगी इससे ये पता चलेगा कि ये तो मैसेज मैसेजर ओपन होगा पता चलेगा कि प्रिंट ओपन होगा इंस्टाग्राम ओपन होगा वो जो आइकन होता है वो एप्लीकेशन आइकन होता है कौन सा आइकन होता है एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करने से संबंधित प्रोग्राम ओपन हो जाता है जैसा प्रोग्राम होगा वो ओपन हो जाएगा भाई है ना तो कौन सा है ये एप्लीकेशन आइकन है मेरे भाई इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइकन है शॉर्टकट आइकन क्या है शॉर्टकट आइकन ये विंडो के अंदर होता है ये देखो तीर का निशान होता है ये क्या होता है तीर का निशान होता है ये शॉर्टकट आइकन पे किस चीज का निशान मिलेगा तीर का निशान मिलेगा है. मुड़े हुए तीर का निशान तो फाइलों को फोल्डरों को एप्लीकेशन के शॉर्टकट प्रतिनिधित्व तो कर भाई शॉर्टकट बनाना है एक तो फाइल आपको कंप्यूटर में बहुत अंदर जा करके कहीं ना कहीं मिले फाइल एक आप उसको डेस्कटॉप पे रखो जो आप सामने देख रहे थे उसके डेस्कटॉप पे रखो और तीर का निशान आ जाएगा शॉर्टकट आइकन बन जाएगा यानी कि उसका शॉर्टकट बन जाएगा फाइल का आप डेस्कटॉप से ही ओपन कर सकते हो ठीक है ना ये वास्तविक सामग्री की नकल किए बिना विशिष्ट वस्तुओं तक त्वरित पहुंच प्रदान कर सकते हैं यानी कि डायरेक्ट आप वहां तक पहुंच सकते हो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी वहां से है ना इसके बाद टूल बार आइकन भाई इसके बाद क्या होता है टूल बार के आइकन ये टूल बार है भाई टूल बार पर आइकन होते हैं अलग अलग ये, ये देखो ये देखो कितना जबरदस्त आइकन डिलीट मतलब ऐसे निशान लगा रखा तो डिलीट होगा ऐसे निशान लगा रखा रीडू होगा ऐसे निशान निशान लगा रखा अंडू होगा यहाँ से प्रॉपर्टी चेक होगी भाई फाइल की डिटेल चेक होगी यहाँ से कट होगा कैंची दे रखी है यहाँ से दो कॉपी बना रखे हैं कॉपी होगी यहाँ से कॉपी का पेस्ट हो जाएगा यानी कि बॉक्स दे रखा है यहाँ से फोल्डर दे रखा है यहाँ से व्यू दे रखे हैं कि अलग अलग व्यू भी देख सकते हो ये देखो होम कितना जबरदस्त आइकन

है ना आगे पीछे जाना है तो ये वाले ऑप्शन होते हैं आगे पीछे जाना बिल्कुल होम पे जाना तो होम वाला ऑप्शन मिलेगा भाई सर्च करना कुछ ये ये छलनी मिलेगी ये मैग्नीफायर मिलेगा यहां से सर्च कर सकते हो लेंस मिलेगा है ना आपने फेवरेट करना है तो स्टार लगा लो भाई फेवरेट करना है तो क्या लगा लो स्टार तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं भाई तो आज की जानकारी